नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। आज हम आपको एपी की रसोई में लाल भाजी आलू और टमाटर की सब्जी बनाना सिखाएंगे और साथ ही साथ इसे हम कैसे खाते हैं वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमने लाल भाजी आलू प्याज मिर्च लहसुन और टमाटर ले लिया है। दोस्तों अब हम लहसुन और मिर्च को बारीक काट कर एक साइड में रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि गरम तेल में हम इन्हें एक साथ लेकिन प्याज के पहले डालेंगे दोस्तों। दोस्तों प्याज को हम थोड़े लंबे लंबे टुकड़े में काट लेंगे। इसके बाद आलू को भी काट लेंगे। आप चाहें तो आलू और प्याज को अपने सुविधानुसार काट लेंगे। आलू काटकर पानी में अच्छे से धो लें। अब एक कढ़ाई स्टोव में रख लेंगे। उसमें हम सरसों का तेल गरम करेंगे। आप चाहें तो जिस तेल का प्रयोग आप अपने खाने में करते हैं उसका कर सकते हैं। दोस्तों कढ़ाई का तेल गरम होने के बाद इसमें हम जीरा, राई, मेथी और सूखी मिर्च का तड़का देंगे। दोस्तों मेथी का तड़का टमाटर के खट्टेपन को बैलेंस कर देता है और उसका स्वाद टमाटर के साथ अच्छा लगता है। अगर आपको मेथी का स्वाद नहीं पसंद तो आप केवल जीरा राई का तड़का दे सकते हैं। उसके बाद हम हरी मिर्च और लहसुन के छोटे टुकड़ों को डालेंगे और उन्हें थोड़ी देर तक भूनेंगे। हरी मिर्च और लहसुन के भुन जाने के बाद उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। अब प्याज के थोड़ा भुन जाने के बाद उसमें कटे और धुले हुए आलू डालेंगे। आलू के थोड़ा पक जाने के बाद उसमें हम थोड़ा नमक और हल्दी मिलाएंगे। दोस्तों मैं मसाले का प्रयोग इस सब्जी में नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लाल भाजी में मसाला पसंद नहीं है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो थोड़ा गरम मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। आलू में हल्दी नमक डल जाने के बाद चम्मच अच्छे से चलाकर उसे मिला लें। फिर उसमें कटे और धुले हुए लाल भाजी डालें। दोस्तों अब हम टमाटर काट लेंगे। मैंने लगभग 5 टमाटर लिया है। आपको अगर खट्टा नहीं पसंद तो आप टमाटर की संख्या कम भी कर सकते हैं। मैंने हर टमाटर को 4-4 टुकड़ों में काट लिया है। साथियों मैंने टमाटर को बड़े टुकड़ों में इसलिए काटा है ताकि पकने के बाद टमाटर का छिलका
अलग हो जाए और उसे मैं खाते समय अलग निकाल सकूं। आप यदि चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। टमाटर के टुकड़ों को भाजी के ऊपर रखकर ढक्कन या थाली से ढक लेंगे और कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तक पकने के बाद टमाटर और उसके छिलके अलग अलग हो चुके हैं और टमाटर भी पूरी तरह से पक चुका है। दोस्तों, अब लगभग सारा काम हो चुका है। अब बस इसे अपने स्वाद के अनुसार पकाना है और इसे आपको ढकना नहीं है, बिना ढके पकाना है। आपको अगर ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा जल्दी गैस बंद कर लें और अगर आप ड्राई खाना पसंद है तो थोड़ी देर तक धीमी आंच में रखें। दोस्तों, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें स्वाद के लिए थोड़ा काला नमक डालेंगे। आप न चाहें तो न डालें। मुझे काला नमक का स्वाद पसंद है, इसलिए थोड़ी मात्रा में हर सब्जी में डालता ही हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी सब्जी लगभग बनकर तैयार है। देखने से ही कितनी लजीज लग रही है। दोस्तों, हम दाल चावल के साथ इस सब्जी का आनंद लेने वाले हैं। हमने कुकर में तुवर की दाल पका ली है। अब इसमें जीरा राय, लहसुन मिर्च का तड़का लगा लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी भाजी पूरी तरीके से पक चुकी है और ड्राई हो चुकी है। अब ये दाल और चावल के साथ खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।